dark. We are nothing more than dust. Search, but you stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है ड्यूक 250 के ऊपर, और ये वाला पर्टिकुलर जो बाइक है ये है BS6 मॉडल 2022, और ये अभी जनवरी फरवरी में बाइक ली है। तो ये बिल्कुल एक्सेसरीज से भरी हुई है, एंड क्या क्या इसमें मॉडिफाई, मैं आपको सब बताने वाला हूँ। बट 6-7 महीनों के हिसाब से ये बाइक बहुत चल चुकी है। तो ये है इसका इग्निशन सिक्वेंस, तो आप देख सकते हो ये बाइक 14,000 से ऊपर चल चुकी है मात्र 6-7 महीनों में। एंड एक्चुअली यहाँ पर शोरूम नहीं है, तो हमको गुड़गांव से लेनी पड़ती है, हरियाणा से। तो HR नंबर है ये। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या मॉडिफाइड है। तो सबसे पहले ब्रेक से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें डले हुए हैं हाइड्रोलिक ब्रेक एंड हाइड्रोलिक क्लच, ये आप देख सकते हो। ऑयल रिजर्वर अलग तरह का है इसमें, एक टैंक वाले भी आते हैं, एक इस तरह के आते हैं। तो इसमें ये वाले डले हुए हैं, तो ये आपके ब्रेकिंग को एनहेंस करते हैं, लाइक आपको फीडबैक अच्छा देते हैं जब आप ब्रेक लगाते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी ब्रेकिंग पावर बढ़ा देगा ये। और ये आप देख सकते हो इसका मास्टर सिलेंडर। एंड इसके बाद आप इसकी हेडलाइट देखो, पर्सनली आई एम इन लव विद दिस हेडलाइट। एंड आपको नाइट में दिखेगा, अभी दिन में दिख नहीं रहा होगा, ये ब्लू कराया हुआ है और ब्लैक टिंट कराया हुआ है हेडलाइट पे। और इसके साथ ही इसमें HJC की ये फॉग लैंप डले हुए हैं, बाकी इसके ऊपर का हट गया था एक, तो दूसरा भी हटा दिया। और जिनकी नाइट में काफ़ी अच्छी रोशनी है, बिकॉज ये ब्लैक टिंटेड हेडलाइट कराई गई है, तो कुछ दिखता नहीं है इसमें ज़्यादा। इसके बाद इसमें टायर डला हुआ है मिशलिन का रोड 5, और ये 160 सेक्शन टायर है। तो देखो आप कितना वाइड लग रहा है ये, तो काफ़ी वाइड एंड मोटा भी है, बिकॉज 60 है यहाँ से, ये यहाँ से 60 है ये, एंड वैसे 160। और इसके बाद इसका DB कलर हटाया हुआ है एग्जॉस्ट में से, और काफ़ी ठीक ठाक साउंड आ रही है भाई। अगर आप 390 में इसको हटाओगे तो नेक्स्ट लेवल साउंड आएगी, बट इसमें भी मैनेजेबल है साउंड, मतलब अच्छी लगेगी आपको हटा लोगे तो, बेस्ट मॉडिफिकेशन कह सकते हो। इसके बाद आप इसकी टेल टाइडी देखो, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कौन सी वाली टेल टाइडी है, बट सही लग रही है यार ये वाली टेल टाइडी इसमें। बाकी कलर इसका स्टॉक ही है। एंड इसके बाद इसमें हजार लाइट्स डाली हुई है, जिसका स्विच है इधर, ये देखो। अभी आपको फॉग लाइट जला के दिखाता हूँ, ये देखो इसकी फॉग लाइट। अभी चेन का और देखो इसका, ये अलग से लगाया हुआ है, तो काफ़ी प्रीमियम से लगता है इससे ये। एंड स्पॉकेट तो काफ़ी बड़ा आता है 250 ड्यूक का। एंड इसके अलावा यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाली जो ब्लैक टिंटेड हेडलाइट के लिए आती है, वो पूरी बॉडी पे कराई हुई है यहाँ पर देखो, तो इससे ऑरेंज कलर ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहा। एंड इस पर कराई हुई है, उधर से दिखाता हूँ आपको, ये देखो ये ब्लैक टिंट वाली जो रैप आती है वो कराई हुई है। एंड इसके अलावा यहाँ पर 5D वाली कार्बन फाइबर रैप सस्पेंशन पे, तो ओवरऑल काफ़ी गुड लुक आ रही है बाइक की। जब आप ये चेन कवर लोगे तो इसके साथ ही आपको काफ़ी सारी एक्सेसरीज मिलेंगी इसके साथ, तो पूरा सेट आता है ये आपको इसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा। तो बाकी इस पर ब्लैक कलर करा था तो वो हट गया अभी, नहीं तो ये ऑरेंज भी आते हैं। तो अभी बातें हो गई बहुत, अब इसको राइड करके देखते हैं। अभी मैं इसको चला कर आया हूँ, कितनी ज़्यादा पावर है इसमें। तो डाउन शिफ्ट में थोड़ा बहुत पटाखे फोड़ रही है, और एग्जॉस्ट नोट यार काफ़ी सही आ रहा है इसका डीवी किलर हटाने के बाद। और सही बताऊँ तो एकदम से पुल करती है ये भी, मतलब मैंने 390 ड्यूक चलाई हुई है, बट इसका भी पुल कम नहीं है यार, काफ़ी तगड़ा एक्सलरेशन प्रोवाइड करती है ये। ये देखो रिएक्शन तो मिलते ही हैं यार इस पर, क्योंकि हर एक बच्चे का सपना होता है KTM, भाई KTM ड्यूक चाहिए RC। होली मोली,
वे दिस बाइक पुल्स। और कुछ लोग बोलते हैं BS6 में पावर कम है, मुझे तो यार इसमें बहुत पावर लग रही है। डाउन शूट में बताओ किस तरह का साउंड आ रहा है, काफी शॉर्ट गियरिंग है। तो बाय द वे ये 30 PS की हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है एंड 24 NM का टॉर्क, जो कि मैंने NS200 चलाई है यार, मोस्ट ऑफ द टाइम आप जानते हो तो वो 24 BHP के आसपास देती है, बट 30 BHP 6 BHP का फर्क है जो कि बहुत ज़्यादा है। बाकी टॉप स्पीड इसकी 145 कुछ है शायद, बट जो एक्सलेशन जो देती है ना भाई, ये जो पुल करती है वो इनसेन लेवल है, मतलब मज़ा आ गया मुझे चला के। और ये जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इनका फीडबैक बहुत ही स्मूथ है, सही बता रहा हूँ। बाकी आप RCB वगैरह के ले सकते हो, क्लच एंड ब्रेक ईजिली मिल जाते हैं यार आजकल तो। एक साइट है LRL मोटर्स, उस पर मिल जाएंगे। और आप मुझे बताओ DB कलर के बिना कैसी साउंड आ रही है। तो बाइक में क्या क्या सामान लग रहा है वो मैंने आपको बता ही दिया। बाकी 250 DS4 वाली पे मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ है, बट ऐसे राइड वीडियोस नहीं बनाई थी। बाकी सॉरी मैं ग्लव्स लाना भूल गया यार आज। 160 सेक्शन का टायर, और ये जो रोड 5 है मिशलिन के, बहुत सही ग्रिपिंग है। और इसकी बैट ग्रिप जो है वो भी बहुत अच्छी है। बाकी इतना फ़र्क नहीं पड़ता यार, आप 150 से 160 पे जाओगे तो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है माइलेज और स्पीड में, तो नहीं पड़ता बिल्कुल भी, क्योंकि NS 130 सेक्शन टायर रहता है। तभी भी मेरी बाइक 155 जा रही थी टॉप, एंड अभी भी 150 डालने के बाद भी 155 जाती है। तो ये सब बस कहने की बात होती है, बस थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता होगा एक्सलेशन वगैरह में, बट टॉप स्पीड तो बहुत ही जाती है वहाँ पर, और माइलेज में नहीं पड़ता यार फ़र्क वगैरह कुछ भी। तो आप डलवा सकते हो बड़े टायर, बट 150 से ऊपर मत जाना भाई, 150 160 से ऊपर वो फिर गुब्बारे जैसा बन जाता है पीछे से टायर, आपने देखा होगा, वो अच्छा भी नहीं लगता बट ओवर हो जाता है भाई। ओ ये ब्रो, थोड़ा लीन करके देखते हैं। बहुत सही ग्रिप है यार, बिल्कुल इधर से उधर नहीं हुई बाइक, बैलेंसिंग भी बहुत सही है इसकी। इधर एक अच्छा सा कॉर्नर है, इधर से ही वापस चलेंगे। भाई ये ऑयल से क्या फैला हुआ है, बीच में चला रहा है यार। बहुत फन मशीन है, बहुत ज्यादा।
और ज़्यादा भगा ही नहीं क्योंकि आगे टर्न है, बाकी चली जाती भाई 145 आराम से। मैं सोच सकता हूँ पेट्रोल कितना पीती होगी, क्योंकि KTM के यार इतना हाई कंप्रेशन इंजन होते हैं ना, मतलब कब पता ही नहीं लगता आपको कब आप स्पीड में पहुँच गए। और ये बाइक ऐसी है कि खुद बोल रही है भाई मुझे डाउन शिफ्ट कर, हाई RPM पे ले जा। कुछ बाइक्स होती है भाई हाथ जोड़ता बस रहने दे, अब नहीं हो पाएगा, बट ये बाइक बोलती है यार आपको कि मुझे भगा। तो अगर आप नॉर्मल सुस्ती वाले राइडर हो ना, जिसको आराम से क्रूजिंग करना पसंद है, वो तो KTM लेना ही मत। देखो बाकी 392 कैसी है भाई, दूसरे गियर तक तो बोल लेती है कि आगे से उठ जाऊंगी, बट ये फर्स्ट गियर में उठती है। बट बोल सकते हो बेस्ट बिगिनर बाइक, क्योंकि अगर कोई सीधा 390 लेगा ना यार भाई, उसकी ब्रेकिंग आनी चाहिए उसको अच्छे से, क्योंकि बहुत जल्दी 100 to 150 चली जाती है यार, 150 पता ही नहीं लगता उसमें। कि ये बाइक जिसकी है, नमन नाम है उसका, इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो भाई क्रेडिट्स तो देना बनता है, कोई अपनी बाइक देता है रिव्यू करने के लिए। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर अच्छा लगा हो और वीडियो चाहिए 250 के ऊपर तो बता देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, लेट्स ग्रो, जल्दी से 70K कराओ यार, 1000 बच रहे हैं बस 70K होने में। तो बाय।